मैं अच्छी तरह समझती हूँ, मर्दों की नजरों को भी और उनकी दाद को भी। ये मेरे हाथ देख, तेरे आगे हाथ जोड़ रही, जिद ना कर, बस कर दे, मैं धो लूंगी, जाओ अपने काम करो। नहीं पता था इतनी पढ़ी लिखी लड़की को स्टेज करने की क्या जरूरत है। मैंने जब सुना तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। हम सारे तो यही समझते रहे कि तुम कोई जॉब करती हो। स्टैंड अप को जॉब समझ के ही करना चाहती हूँ। इतनी खुश थी मैं कि चलो तुम इस घर में आई हो, दानिश तुम्हें देखेगा, कुछ सीखेगा तुमसे, वो भी कल को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मुझे क्या पता था कि इतना पढ़ लिखने के बाद तुम इस गंदगी में जा गिरोगी। गंदगी? हाँ तो और क्या है, ये स्टेज गंदगी ही है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती मामी, क्योंकि आप खुद स्टेज पे काम करती थी। करती थी इसीलिए कह रही हूँ मैं, तुम्हारे नाना मियाँ भी इसीलिए कह रहे, हम लोग नस्ल दर नस्ल यही काम करते आए हैं। क्या कमा लिया किसी ने, हाँ ना इसमें दौलत है ना इज्जत है, और औरतों के लिए सिवाय बदनामी के कुछ नहीं रखा इसमें। मेरी बात सुन, ये बात तुम्हें खुद वो औरत कह रही जिसने कई साल स्टेज किया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ मर्दों की नजरों को भी और उनकी दाद को भी। मेरे अपने घर वाले जो सारी जिंदगी मेरी कमाई पे पलते रहे, उन्होंने आज तक कभी मेरी इज्जत नहीं की, तो बाहर वाले क्या करेंगे। असल में आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सब एक जगह ठहर गए और बाहर की दुनिया ना बहुत बदल गई, लेकिन इस कुएं से कोई निकले तो पता चले ना। नहीं बदली, यकीन कर मेरी बात का, कुछ नहीं बदला। मेरी बात सुन, तो पढ़ी लिखी है, तलीम याफ्ता है, कोई अच्छी सी नौकरी कर, अपनी जिंदगी बना, इन सब के बारे में ना सोच, निकल जाए सबसे बाहर। ये मेरे हाथ देख, तेरे आगे हाथ जोड़, जिद ना कर। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।